नमस्कार, खबर की तह तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरती। खबर आजमगढ़ से। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र में आयोजित स्काउट गाइड शिविर का आज किया गया समापन। सगड़ी तहसील क्षेत्र के बाबू शिव पत्तर राय महाविद्यालय रामगढ़ में स्काउट गाइड का समापन शिविर आयोजित किया गया। आज 5 दिवसीय स्काउट गाइड शिविर के समापन पर बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। वहीं शिविर के दौरान बच्चों को अनुशासन, एकता, वर्दी, प्रतियोगिता, गठबंधन सहित 20 विधियों से पारंगत किया गया। वहीं उन्होंने जीवन में राष्ट्रप्रेम व समाज में अपनी जिम्मेदारियों का बोध कराया। महाविद्यालय प्राचार्य अलका राय ने स्काउट शिविर में छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। आगे उन्होंने कहा कि स्काउट गाइड के माध्यम से छात्राओं को अपने राष्ट्रप्रेम और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति समझने का मौका मिलता है। इस शिविर के माध्यम से लिया गया प्रशिक्षण आने वाले जीवन में हमेशा आपकी मदद करेगा। 20 विधियों से छात्राओं को पारंगत करने का प्रयास किया गया है, जिसमें उन्हें दैनिक जीवन में किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, सामाजिक रूप से आपको कैसे समाज में रहना चाहिए, इसके अलावा आपके व्यक्तित्व और व्यवहार की संरचना कैसी होनी चाहिए, इन सब के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी स्काउट गाइड के माध्यम से दी गई है। परिवार में रहकर किस तरह से सबको साथ लेकर चलने प्रेरणा स्काउट गाइड शिविर के माध्यम से मिलती है। आजमगढ़ से ब्यूरो आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यहाँ पर जो है बीएड के छात्र, सेकेंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं का रोवर्स रेंजर स्काउट गाइड का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। दिनांक 30 तारीख से अनवरत आज 5वां दिन है, समापन भी आ गई है। हमारे साथ डॉक्टर अवधेश यादव PHWB सहयोगी हैं, अर्चना मदनवाल एडवांस रेंजर लीडर हैं। ये बच्चे आज 5 दिन के कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, जिसमें अनुशासन, एकता, कुकिंग, उसके बाद वर्दी प्रतियोगिता, पोस्टर, सांस्कृतिक कार्यक्रम, गठबंधन, अन्य लगभग 20 कार्यक्रमों को का प्रशिक्षण इनको दिया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसका इनको लाभ आगे के जीवन में अवश्य प्राप्त होगा।